कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। नई संसद के अंदर की तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें देखने के बाद विरोधी दल के नेता भी पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग के मुरीद हो गए। जिस वक्त पूरे देश में नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासत चरम पर है, उस दौरान नई संसद की तस्वीरों ने हर आमो खास का मन मोह लिया। नई संसद अंदर से कैसी दिखती है, इसकी तस्वीरें पहली बार रिलीज हुई। एक्सटीरियर से लेकर न्यू पार्लियामेंट का इंटीरियर, इसकी हर एक चीज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। लोकसभा की गैलरी के दोनों तरफ देश के चुने सांसद आकर बैठेंगे। जहां स्पीकर बैठेंगे उसके ठीक ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है, जबकि लोकसभा का यह पूरा डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। यहां 882 सांसदों के बैठने की जगह है। फिलहाल पुरानी संसद में 552 सांसद तक बैठ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि नई संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसीलिए जॉइंट सेशन भी लोकसभा में ही होगा, जहां एक साथ 1272 सांसद बैठ पाएंगे। ये तस्वीरें नई संसद के उच्च सदन राज्यसभा की है। राज्यसभा का डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। यहां अब 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम है। अब तक राज्यसभा में 245 सांसद बैठते रहे हैं, लेकिन भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। नई संसद की तस्वीरें जैसे ही फ्लोट हुई तो इसके बाद जो पार्टी अभी तक इस संसद का विरोध कर रही थी उसमें भी इन तस्वीरों को देखने के बाद दो राय बनती हुई नजर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी के हाथों नई संसद के इनॉग्रेशन का विरोध कर रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दिया, कह दिया कि विवाद एक तरफ है लेकिन नई संसद भव्य और दिव्य तो है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, नई बिल्डिंग का स्वागत है। पुरानी संसद भी अच्छी थी और जब मैं कुछ सालों के लिए वहां था तो हम कई लोग कई बार नई और पहले से अच्छी पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत पर चर्चा जरूर करते थे। चलिए देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो यही कहूंगा कि ये संसद काफी शानदार दिखाई दे रही है। अब भले ही 21 विरोधी दल नई संसद के इनॉग्रेशन पर अलग लाइन लेकर बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच नई संसद के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। अब जब आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, यहाँ किस तरीके की तैयारियां हैं, आपको एबीपी न्यूज पर हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी लेबर हमको नजर आ रही है, ऐसा नहीं है कि लेबर यहाँ से हट चुकी है। अभी भी यहाँ पर मशीनों की जो आवाज है वो सुनाई पड़ रही है, पत्थर कटते हुए हमको नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। किस तरीके से जो शीशे लगे हुए हैं बिल्डिंग में उनको चमकाने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा के यहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं या ये जो शेड लगाए गए थे जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। बाहर अभी भी कुछ कुछ काम चल रहा है। अगर शनिवार की देर रात में पूरी तरीके से हैंडओवर कर दिया जाएगा, जो तैयारी है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। नोट करने वाली बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 28 मई को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करेंगे तो इस दौरान वो एक 75 रुपए का स्पेशल सिक्का भी जारी करेंगे। सिक्के के एक तरफ संसद कॉम्प्लेक्स की तस्वीर बनी होगी। ये 75 रुपए का सिक्का 44 मिलीमीटर के व्यास के साथ एक गोलाकार आकार का होगा। 35 ग्राम वजन का ये सिक्का चार धातुओं से बना होगा। इसमें 50% चांदी जबकि 40% तांबा है। इवेंट को ग्रांड के साथ पारंपरिक बनाने की तैयारी है, मगर विरोधी दल राष्ट्रपति से उद्घाटन करने की बात पर अड़िग है। अगर आप कार्ड देखें तो संविधान के दूसरे नंबर के जो नेता होते हैं उपराष्ट्रपति, उनका भी नाम नहीं है। राष्ट्रपति तो है ही नहीं। अरे भाई, राष्ट्रपति को निमंत्रण तो दीजिए। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद को बुलाया नहीं है, उनको निमंत्रण नहीं है, तो क्या ये एक पार्टी का समारोह है? नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में नए संसद भवन के राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करने वाली जो पिटीशन लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लगाने वाले को फटकार भी लगाई। कहा, अगली बार अगर ऐसी याचिका लगाई तो जुर्माना लगा देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।